बता बुढ़े, रियासत रूपनगर का रास्ता कौन सा है? बोल। मेरे बॉस की डायरी के मुताबिक इन पहाड़ियों के आसपास ही होनी चाहिए। यह रही रूपनगर की निशानी। लेकिन इनके पास इतना सोना आया कहां से? यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रियासत में बेशुमार सोना है। अगर तुम्हें इतना कुछ मालूम है तो रियासत का पता क्यों नहीं मालूम? जितना मुझे इल्म था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। Hey, सलाउड मैन, अपन का नाम डॉक्टर पिंटो है क्या? अपन साला दुनिया भर को इंजेक्शन देता है और तुम अपने को झूठ का इंजेक्शन दे रहा है। एंड मिस्टर ओल्ड मैन, जब तुम्हारा बॉस वो रूपनगर के छोकरी के साथ लव मैरिज किया, यानी कि गांधर्व विवाह किया, तो उसको रूपनगर का रास्ता नहीं मालूम? रूपनगर की लड़की जब गर्भ धारण कर लेती है तो वहां की महारानी गर्भदाता को ढेर सारा सोना देकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे विदा कर देती। वहां से लौटने वाला फिर कभी रूपनगर का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। मेरे बॉस ने भी बहुत कोशिश की थी मगर नाकाम रहे। तुम्हारा बॉस नाकाम रहा, लेकिन हम नाकाम नहीं रहेंगे। आए हैं तो रूपनगर को ढूंढ कर ही रहेंगे, लेकिन बुड्ढे की छोकरी किधर है? जाएगी कहाँ, यही कहीं टहल रही होगी जंगल में। जान बचाने वाले मसीहा का नाम जान सकती हूँ? मैं तुम्हारा नाम पूछ रही हूँ। नाम? नाम? मैं समझ गई, तुम बोलना नहीं जानते। खैर, मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम रीटा है। नाम? रीटा। रीटा। नाम? रीटा। अभी तक तुम बेनाम थे, अब मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ। तुम्हारा नाम है राजा। तुम्हारा नाम राजा। राजा। रीटा। यस। रीटा। राजा। यस यस यस। ये तुम्हारा दोस्त है? दोस्त 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 दोस्त। ये हाथी तुम्हारे साथी हैं? साथी। ठीक है, अब तुम उधर मुँह करो, मुझे कपड़े बदलने हैं। Thank you.
कहाँ से आ रही हो? तुम पूछने वाली कौन होती हो? तुम लोग मेरे डैडी को पकड़ कर लाए हो रूपनगर का खजाना पता करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जवानी जंगल में उछालती फिरो। जवानी में इतनी आग लगी है तो यहाँ आदमियों की कमी नहीं है। शट अप! मैं तुझ जैसी बेहा औरत की मुंह नहीं लगना चाहती। किसी वेश्या का भी बिस्तर इतना गंदा नहीं होगा जितनी गंदी तेरी जुबान है। जुबान संभाल कर बात कर कमीनी। नहीं गजा, कोई बीच में नहीं आएगा। लड़ाई इन दोनों की है, इसलिए फैसला भी इन दोनों में ही होगा। देखा, राजा तुम इस वक्त? रीटा, राजा हाँ हाँ मैं जानती हूँ, राजा रीटा से मिलने आया है, लेकिन ये गंदे ख्यालों के लोग इस बात को नहीं समझेंगे और मुझे मेरे डैडी की नजरों में गिरा देंगे, और मैं अपने डैडी की नजरों में नहीं गिरना चाहती। भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कल नदी के किनारे मिलूंगी। नदी के किनारे ओह जाओ। पगला कहीं का राजा। राजा राजा की जहर का नशा तो तुमने उतार दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार का नशा जिसने मेरे आंग आंग में मस्ती भर दी है, उसका कोई इलाज है तुम्हारे पास? ओहो, मुश्किल तो यह है कि तुम मेरी कोई बात ही नहीं समझते। अच्छा ठहरो। ये दो दिल हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा। कितने चालाक भोले हो, प्यार की भाषा इतनी जल्दी समझ गए। बचाओ! बचाओ!
रूपनगर से आई हूं। आओ आओ ना, इसे अपने रियासत के कानून और दस्तूर समझा लिए तुमने? जी नहीं रानी साहिबा, ना तो ये कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ समझ सकता है। मगर ख्याल रहे, रियासत के कानून को कोई चोट न पहुंचने पाए। मैं वादा करती हूँ रानी साहिबा, ना तो मैं मर्यादा का उल्लंघन करूंगी, ना ही रियासत के कानून को चोट पहुंचने दूंगी। पति मोह संतान मोह से विमुख होकर मर्यादा का पालन करूंगी। ठीक है, वरमाला पहना दो। रियासत की तोहीन है। रीटा, 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 कौन रीटा? ये तो चंदा है। रीटा, राजा, रीटा। ये बेजुबान किसी रीटा नाम की लड़की से प्यार करता है, इसके साथ जबरदस्ती ना की जाए, इसे सोना देकर लौटा दिया जाए। तुम कहाँ चले गए थे? ये दोस्त खींचता हुआ मुझे यहाँ ले आया। रियासत, रानी, चंदा, हार। रीटा, हार, हार। तुम रूपनगर गए थे? हार, हार। मुझे रूपनगर का रास्ता नहीं मालूम, नहीं मालूम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरे बाप को मारने की तैयारी कर रहे हैं। कमान ही तोड़ दोगे तो तीर कैसे चलाओगे? मैं जानती हूँ तुम मेरे डैडी को नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे डैडी के बगैर तुम इस पहाड़ी रास्तों की भूल भुलैया से बाहर आ ही नहीं सकते। हाँ, तुम ठीक कर रही हो। हम तुम्हारे बाप को मार तो नहीं सकते, लेकिन उसे टॉर्चर तो कर सकते हैं। hey, छोकरी, अगर तुम चाहते कि हम तुम्हारे ओल्ड मैन को टॉर्चर नहीं करेंगे, तो फिर ये इंजेक्शन लो। ये इंजेक्शन में 2 घंटे का बेहोशी का दवा है, इसको राजा को लगाओ, उसके बाद हम लोग उस पर काबू करेंगे, और उसके बाद रूपनगर का एड्रेस यानी कि पता पूछेगा। Got it? तुझे राजा की 2 घंटे की बेहोशी चाहिए या जिंदगी भर की मौत? राजा, मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाया, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? दर्द हुआ रीटा, दर्द हुआ, तुम्हारा आंसू दर्द हुआ। तुम क्यों रोई? राजा रीटा के लिए जान। तुम्हारी जान सलामत रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें ये इंजेक्शन लगाया है। सो जाओ राजा,
इससे तुम्हें मीठी मीठी नींद आ जाएगी। मीठी मीठी नींद नहीं, बल्कि इसकी नींद हराम हो जाएगी। पकड़ लो इसे। राजा, अब तुम उस हवा से भी कमजोर हो गए हो जो एक दिन का भी नहीं हिला सकती। रीटा ने जो तुझे इंजेक्शन दिया है उसने तेरी सारी ताकत छीन ली है। पकड़ लो इसे, ले चलो। तुम रूपनगर गए थे, वहां से ये हार लाए, फिर भी यही रट लगाए हो। तुम्हें रास्ता नहीं मालूम? नहीं मालूम। ठीक है, चलो भाग। गुज्जिया, प्रेमा को लेके भाग, निकल चलो। और दूसरा दिल कोरा नहीं राजा, एक जख्मी दिल ही दूसरे जख्मी दिल से प्यार कर सकता है। राजा तुम कहाँ हो? पहली बार तुम्हें हमारी रियासत की लड़की यहाँ लाई थी, हमने तुम्हारा स्वागत किया था। आज दूसरी बार तुम अपने बंदर की मदद से यहाँ आए, इसलिए अब तुम्हारे लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। राजा दुश्मन नहीं, राजा दोस्त। रानी माँ राजा दोस्त, गज्जा दुश्मन, रियासत लूटने आया। ये बहुत भोला इंसान है रानी साहिबा, इसलिए इसे और इसके जानवर को छोड़ दिया जाए। ये हमारी मदद करने और हमें होशियार करने आया है रानी साहिबा। ठीक है, इसे रिहा कर दिया जाए। जाने जाने क्या बात है कि इस लड़के को देखकर हमारे दिल में एक हलचल सी पैदा हो जाती है। ये खून के जोश की हलचल है रानी साहिबा। क्या मतलब? जान की अमान हो रानी साहिबा। अमान दी? ये आपका बेटा है रानी साहिबा। क्या? जी रानी साहिबा, जिंदगी ने इसे मौत के हाथों से छीनकर परवान चढ़ा दिया। मैंने इसकी छाती पर वो काला निशान देख लिया था जो इसका पैदाइशी निशान है। अपनी जबान यहीं बंद कर ले जमना। अगर माँ के ममता के तूफान ने रानी के सब्र का बांध तोड़ दिया तो इस रियासत की बुनियाद हिल जाएगी। लेकिन रानी साहिबा, ये राज अपने सीने में दफन कर ले जमना। यहां से भी चल पड़े? अब ये बदमाश न जाने कहां डेरा लगाएंगे। यहां तो चारों तरफ मौत का तांडव हो रहा है, मुझे भी भाग जाना चाहिए। राजा भैया जल्दी आओ, वो देखो। आइए ना, चल के देखते हैं। उई। हाय राम। उफो। और ये लगता है यहां से भी इन्होंने अपना डेरा उठा लिया। अब न जाने कहां डेरा लगाया होगा। रीटा,
तुम कहाँ? राजा! मैं आ रही हूँ राजा, मैं आ रही हूँ। गज्जा, पिंटो, प्रेमा। क्या? रीटा राजा को मिलने जा रही है। राजा को मिलने नहीं, बल्कि हमारे लिए राजा को ढूंढने जा रही है। हा? हम लोग छिप के इसका पीछा करेंगे, इसकी आवाज सुन के राजा जरूर आएगा। गुड आइडिया गज्जा। नहीं विंटो, इसे बचाने राजा जरूर आएगा। डॉक्टर पिंटो, उसमें तो पहले जैसी ताकत फिर से आ गई। इमैन, इंजेक्शन में तो सिर्फ 3 दिन तक का असर रहता है। राज थर्ड डे है। मैं तुझे जल प्रवाह कर रही हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजा, तुम पाप, तुम जुल्म, बच्चा पानी में, बच्चा पानी में। ये हमारी रियासत का कानून है। तोड़ क्यों नहीं देते तुम अपने इस कानून को, जो दूध मुए बच्चों को जल समाधि देने पर मजबूर करता है? और तुमने मासूम बच्चों की जान लेने का जिम्मा अपने सर क्यों ले रखा है? मैं कौन होती हूँ किसी की जान लेने वाली? जान लेने वाला और देने वाला तो भगवान होता है। जिस तरह राजा ने इस बच्चे को बचा लिया, उसी तरह आज से 20 साल पहले राजा को भी किसी ने बचाया होगा। हाँ, आज से 20 साल पहले मैंने ही तुम्हें जल प्रवाह किया था। राजा की माँ कौन? महारानी विद्यावती। आपका ये बेटा आपसे पूछना चाहता है कि आप पैदा होते बच्चों को जल समाधि क्यों देती हैं? ये पूछना चाहता है कि जो बच्चे मर जाते हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, और जो बच जाते हैं उन बेचारों का वारिस कौन है? ये सवाल तुम्हारे हैं या राजा के? राजा के, राजा के। आज से 20 साल पहले तुमने मुझे पानी में क्यों, इस बच्चे का पानी में क्यों, क्यों? यह हमारी रियासत का कानून है और हम किसी बाहरी आदमी को अपने मामले में दखल देने की इजाजत नहीं देते। राजा बाहरी नहीं, आपका बेटा। हमारी रियासत में ना तो कोई बाप होता है और ना बेटा, यहाँ सिर्फ बेटी होती है या माँ। यहाँ माँ नहीं, यहाँ पत्थर। रानी माँ, तुम माँ नहीं, तुम पत्थर। राजा यह कानून तोड़ेगा, यह पाप मिटाएगा। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। सैनिकाओं, गिरफ्तार कर लो इन तमाम बागियों को और डाल दो इन्हें तहखाने में। तुम लोग रूपनगर का खजाना? मैं खजाना देने के लिए तैयार हूं। खजाना,
ले 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 ले, ये सब अपना, ये सब अपना, ये ले ये ले, ये बन ले बन ले, मैं भी बनूंगा इतना सोना। पिकीना चकाना मकाना सकाना सकाना मकाना राजा, ये कह रहा है कि आपको खजाना तो मिल गया मगर इन्हें इनका दुश्मन राजा नहीं मिला। वो भी मिल जाएगा। चल ऐ मीठा मदर स्वीट मदर क्वीन कम ऑन। राजा सोच कह रहे हो राजा, तोड़ दो इन जंजीरों को और बचा लो अपनी माँ को। तुम रानी माँ माँ नहीं पत्थर। तुमने ठीक कहा, एक पत्थर ने दूसरे पत्थर को जन्म दिया। न माँ के दिल में बेटे के लिए ममता है, न बेटे के दिल में माँ के लिए प्यार। खैर वो तो अपने रियासत के कानून के हाथों मजबूर है, लेकिन तुम्हें क्या मजबूरी है? अगर ये लंबा चौड़ा जिस्म अपनी माँ की मदद के लिए काम नहीं आ सका तो लानत है इसे जिस्म पर, लानत है, लानत है, लानत है। थोड़ी देर पहले तुम रूपनगर की रानी थी, लेकिन अब हमारी कैदी हो और कैदियों के सर पे ताज शोभा नहीं देता। बेटा को बंदी बनाया, राजा तुझे बंदी बनाया, तू मां को मारा, राजा तुझे नहीं मारेगा, मां तुझे मारेगी। लालची कुत्ते, तूने ये सब खजाने के लिए किया है ना, तो उठा ये सब बोरियां और अपनी पीठ पर लाद कर भाग। अगर मेरी तीर से बच गया तो ये सारा खजाना तेरा। बेटे से तो मिलनी, अब अपनी बहू को भी आशीर्वाद दे दो। पांच हुआ बेटी पुत्रवती भवा।